गहरी श्वास लें और अपने सारे बॉडी को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अभी अभी गुरु जी ने हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत किया है, हमारे मन की शांति को महसूस करें। हमारा सारा शरीर शांत है और अपने से बाहर यहाँ आसपास भी सराउंडिंग में एकदम शांति को महसूस करें। हमारे भीतर शांति, हमारे बाहर भी शांति, गुरु जी की शांति की लहरें सारी सृष्टि में फैल रही है और इसी शांति का आनंद सृष्टि का हर एक जीव ले रहा है। पूर्ण रूप से मन में और बाहर शांति को ही अनुभव करें, एकदम रिलैक्स्ड माइंड और एकदम रिलैक्स्ड बॉडी। इसी शांति का आभास करते हुए अब ध्यान दें अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर। हमारे आसपास जो भी खाली स्थान है, जो भी ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस पर ध्यान लगाएं। हर चीज, एक चीज से लेके दूसरी चीज के बीच में भी जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान पर ध्यान लगाएं। आपके बीच में और आपके पास में जो बैठे हैं उनके बीच में भी जो एक खाली स्थान है, उस ब्लैंक स्पेस पर ध्यान लगाएं। हमारे आसपास दूर दूर तक फैला हुआ ये ब्लैंक स्पेस, यह खाली स्थान नहीं, परमात्मा के प्रेजेंस को फील करें। परमात्मा निराकार, फॉर्मलेस और इनविजिबल रूप से यहाँ हर जगह पर व्याप्त है। जो भी खाली स्थान है यहाँ पर, वहां परमात्मा की प्रेजेंस को फील करें। हमारे आसपास परमात्मा की ही प्रेजेंस को फील करें। परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं और जो सर्वव्याप्त है, उस परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करें। परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं, जो हर फिजिकल बाउंड्रीज से परे है, उस परमात्मा के विस्तार पर ध्यान लगाएं। परमात्मा का कोई अंत नहीं, परमात्मा के विशालता का कोई अंत नहीं। दूर दूर तक हमारी हर दिशा में परमात्मा ही वास करते हैं और हर दिशा के अंत तक परमात्मा ही है। सृष्टि में जितना भी खाली स्थान है, जितना भी ब्लैंक स्पेस है, जहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर केवल परमात्मा को महसूस करें। सृष्टि से भी आगे ब्रह्मांड में जो भी ब्लैंक स्पेस है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में, एक तारे से दूसरे तारे के बीच में, पृथ्वी से सूर्य के बीच में, हर जगह पर केवल परमात्मा है। इस परमात्मा के एक्सपेंशन पर ध्यान लगाएं, जो हर जगह पर है और सब कुछ इसके अंतर्गत ही है।
परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं, आप भी नहीं, ब्रह्मांड भी नहीं। इस परमात्मा के विस्तार पर ध्यान लगाएं, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो हर जगह पर है। परमात्मा हर जगह पर है, इस सृष्टि के अंत में भी है और आपके करीब भी है। हर जगह परमात्मा को ही महसूस करते हुए अपने आसपास भी परमात्मा के ही प्रेजेंस को महसूस करें। इनविजिबल परमात्मा जो वायु रूप से, अदृश्य वायु रूप से हर जगह पर स्थित है, इस वायु के स्पर्श से परमात्मा के स्पर्श को महसूस करें। इस प्रकार परमात्मा पर ही ध्यान लगाते रहें, हमारे आसपास, हमारे सारे शरीर के साथ संपर्क करता हुआ परमात्मा। और जब यह परमात्मा फॉर्मलेस स्टेट से एक रूप धारण करता है, एक फॉर्म धारण करता है, वह इस फॉर्म में आत्मा रूप से स्थित हो जाता है। यह निराकार परमात्मा जो सर्वव्यापी है, यह परमात्मा जब एक शरीर धारण करता है, जब आपने यह शरीर धारण किया, तो परमात्मा इस शरीर में आत्मा रूप से स्थित हो गया। हमारे शरीर में परमात्मा के अंश हमारी आत्मा को महसूस करें, जो परमात्मा के शरीर धारण करने पर इस शरीर में एक रूप से ट्रैप हो गई है, इस शरीर के साथ जुड़ चुकी है, अपने सारे शरीर में आत्मा को महसूस करें। चेतन रूपी आत्मा जो हर समय हमारे शरीर के हर एक कोने के साथ संपर्क में रहती है, सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, परमात्मा की ही शक्तियों के साथ हमारी आत्मा अपने सारे शरीर में, अपने अंतर में आत्मा को महसूस करें। बाहर परमात्मा और अंदर आत्मा। हम अपने अंतर में आत्मा को महसूस कर रहे हैं और बाहर परमात्मा को महसूस कर रहे हैं, और दोनों के बीच में एक सेपरेशन को भी महसूस कर रहे हैं। अंदर आत्मा और बाहर परमात्मा, और उन दोनों के बीच में है यह शरीर। यह शरीर के कारण हम एक रूप से, एक तरह से आत्मा और परमात्मा को जुदा महसूस कर रहे हैं। महसूस करें अपने अंदर आत्मा को और बाहर परमात्मा को, और उन दोनों के बीच में इस शरीर रूपी दूरी को। हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है कि हमें आज इस दूरी को खत्म करना है। आज जो ये डिफरेंस है, जो ये गैप है, हमें इस गैप को दूर करना है और परमात्मा से मिलना है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा से मिलना जा रही है। और यहाँ बाहर जो परमात्मा है, वायु रूप से हर जगह पर स्थित है,
वह अब हमारे भीतर आत्मा से मिलना जा रहा है। हमारी आत्मा हर क्षण परमात्मा से मिलती है। ध्यान लगाएं अपनी सांसों पर। हर भीतर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं और उसी सांस को बाहर आते हुए भी महसूस करें। महसूस करें बाहर की वायु भीतर जाते हुए और अंदर के जो वायु है वह बाहर आते हुए। महसूस करें वायु के साथ परमात्मा को अपने भीतर जाते हुए और आत्मा से मिलते हुए। और हर श्वास के साथ अब हमारी आत्मा भी भीतर से बाहर जा रही है और इस परमात्मा से मिल रही है। हमारी आत्मा हर क्षण हर पल हर श्वास के साथ परमात्मा से मिल रही है। अपनी हर श्वास के साथ इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के साक्षी बनें। भीतर जाती हुई श्वास के साथ परमात्मा को अपने अंतर में जाता हुआ महसूस करें और आत्मा से मिलते हुए महसूस करें। और बाहर जाते हुई श्वास के साथ अंदर से हमारी आत्मा को बाहर जाकर परमात्मा में लीन होता हुआ महसूस करें। बाहर परमात्मा और अंदर आत्मा दोनों के बीच में यह शरीर और दोनों के बीच में संपर्क बनाती हुई हमारी सांसें, हमारी नासिकाएं, हमारे नॉस्ट्रिल्स हमारे शरीर के अंदर जाने का एक द्वार है और इसी द्वार से भीतर जा रही है परमात्मा, जो हर समय हमारी आत्मा से मिलकर बाहर आ रही है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन से हमारा सारा शरीर आनंदित हो रहा है। महसूस करें जब परमात्मा हमारी आत्मा से मिलने हमारे अंतर में आ रहा है, हमारे शरीर का हर एक सेल झूम रहा है। परमात्मा जब हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर को शक्ति मिल रही है और हमारे सारा शरीर कार्य कर रहा है। इसी परमात्मा से हमें ऊर्जा मिल रही है। और जब हमारी आत्मा बाहर जा रही है परमात्मा से मिलने, तो बाहर की वायु झूम रही है। आत्मा और परमात्मा के मिलन से सारी प्रकृति भी खुश हो रही है और वायु रूप से नदी के रूप से नाचने लगी है। हर श्वास के साथ परमात्मा के संपर्क को महसूस करें अपने आत्मा से और हर श्वास को बाहर जाते हुए आत्मा और परमात्मा के संपर्क को महसूस करें। हमारी आत्मा जब बाहर जा रही है श्वासों के द्वारा, तो इस सारी सृष्टि में जो व्याप्त परमात्मा है उस परमात्मा से मिल रही है और उस परमात्मा में लीन हो रही है। अपनी हर श्वास पर बहुत ध्यान से ध्यान लगाएं। अपनी हर श्वास को बहुत प्रेम से लें, क्योंकि हमारी यही श्वासें
आत्मा और परमात्मा को मिलाप करा रही है, दोनों का मेल करा रही है। हमारी आत्मा से परमात्मा का संपर्क करा रही है हमारी सांसें ही, तो इन सांसों को बड़े प्रेम से अपने भीतर जाता हुआ महसूस करें, बाहर से परमात्मा को हमारी आत्मा के साथ मिलता हुआ महसूस करें, और अंदर से बाहर जाकर हमारी आत्मा को इस सर्वव्यापी परमात्मा में लीन होता हुआ महसूस करें। अनुभव करें कि हर श्वास भीतर जाकर परमात्मा, हर श्वास के साथ भीतर जाकर हमारी आत्मा का हाल चाल पूछ रहा है। हर श्वास भीतर जाकर हमारी आत्मा को गले लगा रही है और हमारी आत्मा का हाल पूछ रही है। इसी तरह हर श्वास आत्मा हमारी बाहर जाकर परमात्मा का भी हाल पूछ रही है। दोनों हर श्वास के साथ मिलकर एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे हैं। हमारी आत्मा एक क्षण भी परमात्मा से न मिलकर नहीं रह सकती, और परमात्मा भी हर क्षण आत्मा से बिना मिले नहीं रह सकता। महसूस करें कि कुछ देर अगर हम श्वास ना लें और रोक कर रखें तो एक तड़पन सी महसूस होती है। यह तड़पन अंदर में भी महसूस होती है और बाहर भी महसूस होती है। हम कुछ देर श्वास ना लें तो हमारे भीतर आत्मा भी तड़पती है और बाहर परमात्मा भी तड़पते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं। हमारी श्वासी इस बात का प्रूफ है। हर श्वास के साथ आनंद लेते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन के साक्षी बने। महसूस करें कि परमात्मा हमारी श्वासों के साथ भीतर जाकर हमारे हृदय को छू रहा है, और हृदय को छूते ही हृदय में एक स्पंदन का एहसास करें। परमात्मा के स्पर्श से हो रहे स्पंदन का एहसास करें, और हर श्वास के साथ बाहर जाकर हमारी आत्मा पूर्ण रूप से इस परमात्मा में लीन हो रही है। हर श्वास के साथ परमात्मा को हमारे भीतर जाकर महसूस करें, हमारे आज्ञा चक्र की ओर जाते हुए हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श कर हमारे आज्ञा चक्र पर भी स्पंदन का एहसास करें। परमात्मा जो सर्वशक्तिशाली है, वही परमात्मा का अंश हमारी आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन को बहुत अच्छे से आनंद लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ही बनाए रखते हुए अपने सारे शरीर को मस्ती में झूमते हुए परमात्मा से मिलने की मस्ती हर श्वास में झलक रही है। हमारा सारा शरीर आनंदित हो रहा है और मन भी एकदम आनंद से भर रहा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के साक्षी बने हर क्षण। भीतर जाते हुए श्वास के साथ परमात्मा हमारे भीतर जा रहे हैं और हमारे
आत्मा से मिल रहे हैं। सारे शरीर में जब हमारी आत्मा व्याप्त है, सारे शरीर में हमारे साथ परमात्मा जाकर आत्मा से मिल रहे हैं। और जब श्वास बाहर जा रही है, तो भीतर से हमारी आत्मा झूमती हुई एक लहर की तरह सारे शरीर से बाहर की ओर दौड़ती हुई परमात्मा से मिल रही है। दोनों एक दूसरे से दौड़ते हुए, बिना कुछ क्षण भी विलंब करते हुए मिल रहे हैं हर क्षण। और जब हमें इस बात का एहसास हो चुका है, हम कॉन्शियसली इनके मिलन को विटनेस कर रहे हैं, तो बाहर परमात्मा भी खुश हो रहा है और हमारी आत्मा भी खुश हो रही है। अपनी श्वासों पर ही अपना ध्यान बनाए रखें, जो निरंतर हमारी श्वासें चल रही हैं, जो सोते समय भी श्वास चलती है, जब हम कुछ कार्य भी करते हैं तब भी हमारी श्वासें चलती हैं। हम जब इन श्वासों पर ध्यान नहीं भी देते तब भी हमारी श्वासें चलती हैं। हम जब आत्मा और परमात्मा पर ध्यान नहीं भी देते हैं, वह तब भी एक दूसरे से एकीकार करते रहते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, और वह हर क्षण बिना एक दूसरे से मिले नहीं रहते, वह एक दूसरे को मिलना भूलते भी नहीं हैं। हमारा शरीर हर कार्य करते हुए भी हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने ज़रूर जाती है, और हमारा परमात्मा जो बाहर हर जगह पर स्थित है, वह भी बिना भूले परमात्मा से मिलने ज़रूर आता है। वह दोनों एक दूसरे से मिले बने एक पल भी नहीं रहते, वह दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं भूलते। परमात्मा और आत्मा के इस मिलन को इस क्षण भी आप महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार महसूस कर रहे हैं कि आत्मा पूर्ण रूप से जाकर बाहर परमात्मा से मिल चुकी है, और परमात्मा पूर्ण रूप से आकर हमारे सारे शरीर में व्याप्त हो चुके हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं रहे, क्योंकि आप कॉन्शियसली उनको हर समय महसूस कर रहे हैं। आत्मा बाहर जाकर परमात्मा से मिल रही है, और परमात्मा हर क्षण भीतर आकर हमारी आत्मा से संपर्क कर रहा है, और इस संपर्क के साक्षी बन रहे हैं हम, हमारा मन और हमारी बुद्धि, जो इस मिलन से एकदम आनंदित हो रही है, और इस मिलन को देखकर, इस मिलन को अनुभव करके इस मिलन के साथ लीन हो रही है। हमारे मन और बुद्धि इतने आनंद में झूम रहे हैं, इतने आत्मा के साथ एक हो चुके हैं, कि वह परमात्मा के साथ अब इस आत्मा के साथ जुड़कर लीन हो चुके हैं। हमारे खुद का जो अस्तित्व हम मान रहे थे, वह अस्तित्व इस आत्मा के साथ एक हो चुका है। हम अपने आप को यह आत्मा ही मान रहे हैं, और हमारी आत्मा हर पल जो एक एनर्जी है, जो एक श्वास के रूप में बाहर परमात्मा के साथ एक होकर हर क्षण मिल रही है। हमारी आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वह हर क्षण परमात्मा के साथ एक हो रही है, परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। और जब परमात्मा हमारे भीतर
वायु के रूप से, श्वास के रूप से हमारी दोनों नासिकाओं से प्रवेश करता है, तब वह परमात्मा ही सारे शरीर में आत्मा रूप से स्थित हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के भीतर कोई अंतर नहीं, अंतर है तो केवल एक फॉर्म का, यह शरीर के रूप का अंतर है। जो शरीर से बाहर है वह परमात्मा है और जो शरीर के भीतर है वह आत्मा है। परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस बात का प्रूफ है हमारी सांसें, क्योंकि आत्मा कभी भी परमात्मा से मिले बिना नहीं रहती और आत्मा भी कभी भी परमात्मा से मिले बगैर नहीं रह सकता। अपनी श्वासों पर ही ध्यान बनाए रखें और निरंतर जो हमारी श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों को महसूस करते हुए उन श्वासों पर ध्यान बनाएं। हर एक श्वास को कॉन्शियसली महसूस करते हुए उन सांसों पर ध्यान बनाएं। एक बार फिर बाहर की इस ताज़ा वायु को, इस परमात्मा को एक गहरी श्वास लेते हुए अपने सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। शरीर के कोने कोने में इस श्वास का संपर्क महसूस करें, जो वायु रूप से शरीर के सारे शरीर में, सारे अंगों में दौड़ रही है। इस परमात्मा की चेतना को हमारे भीतर महसूस करें और एक गहरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि हमारे भीतर की आत्मा पूर्ण रूप से बाहर जाकर परमात्मा के साथ एक हो चुकी है। और अब अपनी सांसों को साधारण गति से चलने दें और सब कुछ करते हुए भी ध्यान इधर उधर अगर जाता भी है तब भी अपना ध्यान श्वासों पर ही बनाए रखें। हर कार्य करते हुए ध्यान श्वासों पर ही टिकाए रखते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन को आप हर समय आनंद लेते रहें और इन्हीं के मिलन के साथ आनंद लेते हुए, झूमते हुए अपने सारे शरीर का अनुभव करें, परमात्मा के शरीर का अनुभव करें, आत्मा के शरीर का अनुभव करें। यह शरीर जो आत्मा और परमात्मा के बीच का एक लेयर है, उस शरीर को अनुभव करें और साथ में अपनी सांसों को भी महसूस करते रहें जो उन दोनों को हर क्षण मिला रही हैं। अपने सारे शरीर का अनुभव करें, सिर से लेकर पैर तक। शरीर के बाहर परमात्मा को महसूस करें और शरीर के अंदर सारे शरीर में आत्मा को महसूस करें और इस प्रकार अपने शरीर को महसूस करते हुए सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। सांसों पर ही ध्यान बनाए रखते हुए अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें, अपने गर्दन को रिलैक्स करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अपने पैरों को अगर आप सामने की ओर खोलना चाहें तो उन्हें थोड़ा खोल कर रिलैक्स करें और अपनी दोनों हाथों को आपस में मल कर अपनी आँखों के ऊपर रखें। अपनी आँखों पर मसाज करें, फेस का मसाज करें और बाहर परमात्मा के ही अस्तित्व को महसूस करते रहें और अपने अंदर आत्मा पर ही ध्यान बनाए रखें
और हर समय अपनी सांसों को ध्यान से बड़े प्रेम से लेते हुए इन दोनों का मेल महसूस करते रहें और इन सांसों का आभार प्रकट करें इस दिव्य अनुभूति के लिए और गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करें कि वह परमात्मा के द्वारा परमात्मा रूप से वह हमारे भीतर आते हैं और हमें आनंद देते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ही रखें, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। Keep both of your palms on your eyes. Let your palms gently touch your eye bones. अपने हाथों को, दोनों हथेलियों को, दोनों आंखों पर रखें और अपने हथेलियों को दोनों आंखों के साथ में थोड़ा सा स्पर्श करें, अपने आई बॉल्स को थोड़ा सा स्पर्श करें, हाथों को आंखों पर ही रखें, दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखें, आंखें बंद है परंतु बंद आंखों से आप देखने का प्रयास करें, बंद आंखों से ही आप कुछ देखने का प्रयास करें, आपको एक विशाल निराकार शून्य स्थान दिखाई देगा। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पर ही रखे हुए बंद आंखों से आप देखने का प्रयास करें, आपको दूर दूर तक निराकार विशाल शून्य स्थान दिखाई देगा जहां कुछ नहीं है। You will see a formless state of being. See the expansion. बहुत विशाल दृष्टि आपकी दिखाई दे रही है, आपको बहुत विशाल निराकार आकाश शून्य दिखाई दे रहा है, बंद आंखों से भी आपको दिखाई दे रहा है। उसको देखते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए, बंद आंखों से आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, जितनी गहराई दिखाई दे रही है, जितनी विशालता दिखाई दे रही है, उसे देखते रहें। आंखें बंद रखें परंतु अपने हाथों को नीचे कर दें, आंखें बंद रखें और अपने हाथों को नीचे कर दें, आंखें न खोलें। ब्राइट रेड कलर, लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, चारों ओर निराकार लाल रंग, अति सुंदर। इस प्रकार का रंग कभी आपने नहीं देखा, ऑरेंज और लाल के बीच का रंग। आंखें बंद रखें, हाथ नीचे, और जो रंग दिखाई दे रहा है उसे देखते रहें। इस प्रकार का रंग आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। यह उस ब्रह्म से उत्पन्न हुई शक्ति है जिसका लाल रंग होता है। धीरे धीरे यह रंग हल्का पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह रंग हल्का पड़ता जा रहा है। अति सुंदर दृश्य था, पहले शून्य स्थान गहरा और विशाल, उसके पश्चात लाल रंग, अब धीरे धीरे मैं हल्का पड़ चुका है परंतु अभी भी आप उस निराकार की गहराई को अनुभव कर पा रहे हैं, उसकी विशालता को अनुभव कर पा रहे हैं,
बंद आंखों से भी आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं। आज आप बंद आंखों से उस निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए हैं। बंद आंखों से अंतर आंखें खुलने के पश्चात अंतर आंखों से आपने परब्रह्म में परमात्मा के दर्शन किए हैं, उसकी गहराई और विशालता के दर्शन किए हैं, उसकी शक्ति के दर्शन किए हैं आपने। इस आनंद का अनुभव लें, उसके दर्शन करने की संतुष्टि, कंटेंटमेंट, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद का अनुभव करें। यही आपके जीवन के अंत के समय यही दृश्य आपको दिखाई देगा। जब भी हम प्राण छोड़ेंगे हम इसी दृश्य को देखेंगे और प्राण छोड़ते समय इस दृश्य में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा में हम लीन हो जाएंगे और उसके पश्चात एक नया जीवन, निराकार जीवन, आनंद से भरा हुआ, पल पल हम आनंद को अनुभव करते हुए उस जीवन को जिएंगे। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही एनलाइटेंड स्टेट है। खुशी की लहर का अनुभव करें सारे शरीर में, मन में, अंदर में, बाहर में। धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। आंखें नहीं खुलती हो तो दो चार बार पलक झपकें, ऊपर की ओर सामने की ओर नहीं देखें, नीचे की ओर देखते हुए एक साथ प्रकाश की ओर न देखें। दो चार बार पलक झपक झपक कर आंखें खोल सकते हैं और खोलने के पश्चात भी इस दृश्य का अनुभव करते रहें, इसी दृश्य का स्मरण करते रहें जो दिव्य दृश्य आपने देखा बंद आंखों से, उसी का स्मरण करते रहें, उसी का आनंद लेते रहें। हर पल उसी के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। इसी आनंद को सृष्टि के सभी जीवों को प्राप्त हो उसकी प्रार्थना अपने हृदय की गहराई से करें। जो भी आपने आनंद का अनुभव किया प्रार्थना करें कि सृष्टि का हर जीव इस आनंद का अनुभव करे। समस्ता